सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था छोटी ऊ के बारे में, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे ऊ के बड़े बाई ऊ के बारे में। जैसे हमने लास्ट किया था छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा छोटी बहन थी और बड़ी ई की मात्रा बड़ी बहन थी। इसी तरह छोटी ऊ की मात्रा छोटा बाई है और उसका बड़ा बाई बड़ी ऊ की मात्रा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं बड़ी ऊ की मात्रा कुछ इस तरह से दिखती है, ठीक है। इसका मुंह जो होता है वो बंद होता है और थोड़ा सा गोल होता है, और उसके बाद ऐसे इसकी पूंछ नीचे की तरफ होती है। मुंह बंद होता है, गोल होता है और पूंछ नीचे की तरफ होती है। कैसे होती है? नीचे की तरफ, ठीक है। जैसे कि हमने पहले हमने ऊ के बारे में पढ़ा था, उसका भी मुंह बंद था लेकिन उसके पैर जो थे वो ऊपर की तरफ थे। कैसे थे? ऊपर की तरफ थे। और बड़ी ऊ के पैर नीचे की तरफ होते हैं और जो सिर होता है वो ऊपर की तरफ होते हैं। इसका सिर हमेशा ऊपर होता है और पैर नीचे होते हैं क्योंकि ये बड़ा है, तो ये सिर हमेशा अपना ऊंचा रखता है और पैर नीचे रखता है। और छोटी ऊ की मात्रा छोटी है तो उसके सिर जो है वो नीचे होता है और जो पैर होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज हम बड़ी ऊ की मात्रा के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम इसका प्रयोग अक्षर में करेंगे और इसका प्रयोग हम कैसे नए नए शब्द बना के कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों बड़ी ऊ की मात्रा जब व्यंजन के साथ आता है तो व्यंजन लंबे समय तक और ऊंचे स्वर में पैदा होता है। कैसे होता है? ऊंचे स्वर में। इसकी आवाज ऊंची होती है, जैसे बड़ी ई की मात्रा की आवाज ऊंची थी और छोटी ऊ की मात्रा की, छोटी ई की मात्रा की साउंड जो थी वो छोटी थी, ठीक है। अब आप देखिए बच्चों, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ऊ की मात्रा लगाओगे, किसी भी शब्द पर लगाओगे, तो आपको उसको खींचना है क्योंकि यही इस मात्रा की सबसे बड़ी पहचान है। देखिए च पे बड़ी ऊ की मात्रा चू, चू क्या बना? चू। प पे लगाएंगे जब हम बड़ी ऊ की मात्रा तो उसकी साउंड लंबी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? पू। क्या बन जाएगा? पू। ल पे लगाया तो लू, चू पू लू। म उ मू न उ नू, नू। द उ धू सु, ह उ हु, घ उ गु, भ उ भू, फ उ फू, थ उ थू, ट उ टू। तो देखा आपने, च पे जब हमने बड़ी ऊ की मात्रा लगाई तो उसके पैर नीचे की तरफ है और सर ऊपर की तरफ है, चू। तो देखा आपने कैसे हमने अक्षरों की ध्वनि एकदम चेंज कर दी, ठीक है। अब आपको कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं जिनका कोई भी अर्थ नहीं है, कोई भी मीनिंग नहीं है, लेकिन हम जब हम इसको बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो ये एक मीनिंग शब्द बन जाएंगे, ठीक है। इनका मतलब बन जाएगा, अभी इनका कोई भी मीनिंग नहीं है, ठीक है। ये क्या है? सप, जता, तरबज, चाक, फल, इनका कोई भी मीनिंग नहीं है। तो चलिए हम बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग करते हैं और इनको हम अच्छा शब्द बनाते हैं, ठीक है। आपको पहला दिख रहा है ये क्या है? सूप। स पे बड़ी ऊ की मात्रा लगाई तो बन गया सूप। झ पे ऊ लगाया तो क्या बन गया? जूता। सूप जूता। नेक्स्ट क्या है? तरबूज। तो कहां पे लगाएंगे ऊ की मात्रा? भ पे लगाएंगे, तरबूज। नेक्स्ट क्या है? चाकू। चाकू आपने देखा ही होगा, आपके किचन में है चाकू। फल, ये फल है नो, ये क्या है? फूल। फ पे बड़ी ऊ की मात्रा फूल। सूप जूता, तरबूज, चाकू, फूल। सूप जूता, तरबूज, चाकू, फूल। अब देखिए आपको शब्द दिख रहे हैं, इसमें भी बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है।
आलू ये शब्द जोड़ है, भालू च उड़ ई चूड़ी, मूली कूड़ा, पूरब प ऊ रब पूरब, सूरज जूता, चूहा झूला। तो बच्चों आप इन सभी शब्दों का अभ्यास करें घर पे और अच्छे से इनको लिखें और मुझे चेक करवाएं। धन्यवाद।